अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेली प्राइम के इस वीडियो में आप जानेंगे राउंडिंग मेथड क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। राउंड ऑफ इन टैक्स लेजर क्या है, राउंड ऑफ इन इनवॉइस क्या है और साथ ही जानेंगे इनका उपयोग कैसे करते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको परचेस पर मिलने वाले और सेल्स पर दिए जाने वाले डिस्काउंट के बारे में बताया था और आज के इस वीडियो में हम आपको राउंड ऑफ के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए हमने एक पेन 13 रुपए में बेचा जिसके ऊपर 18% से GST चार्ज किया, तो हमारा सेल्स इनवॉइस इस तरह बनेगा। ये देखिए बिल अमाउंट 15 रुपए 34 पैसे आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या कस्टमर हमें 34 पैसे देगा? नहीं देगा, क्योंकि हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन पैसों का चलन समाप्त होता जा रहा है। इसलिए हमें बिल को कुछ इस तरह से बनाना होगा कि बिल में पैसे आए ही नहीं। पैसों को हटाने या रुपए में बदलने के इसी तरीके को राउंड ऑफ करना कहते हैं। किसी भी बिल को राउंड ऑफ करने की 3 मेथड्स होती हैं: डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। आइए इन्हें हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहली मेथड है डाउनवर्ड राउंडिंग। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारा बिल 15 रुपए 34 पैसे का हो या 15 रुपए 90 पैसे का, हम इसे नीचे की ओर राउंड ऑफ करेंगे। यानी दोनों ही स्थिति में हम बिल 15 रुपए का ही बनाएंगे। दूसरी मेथड को समझने के पहले हम आपको तीसरी मेथड समझा देते हैं। जैसा कि इसके नाम अपवर्ड राउंडिंग से ही स्पष्ट होता है कि बिल 15 रुपए 34 पैसे का हो या 15 रुपए 90 पैसे का हो, इसे हम ऊपर की ओर राउंड ऑफ करेंगे। यानी दोनों ही स्थितियों में हम बिल 16 रुपए का बनाएंगे। आइए बात करते हैं दूसरी मेथड की, वो है नॉर्मल राउंडिंग। प्रायः व्यापार में इसी का उपयोग किया जाता है। इसमें यदि बिल का अमाउंट 15 रुपए 50 पैसे से कम है तो इसे नीचे की ओर राउंड ऑफ करते हैं। यानी हम कस्टमर को 15 रुपए का बिल बनाकर देंगे और यदि बिल का अमाउंट 15 रुपए 50 पैसे या उससे अधिक है तो हम कस्टमर को 16 रुपए का बिल देंगे। सरल शब्दों में यदि बिल की राशि में 50 पैसे से कम है तो उसे शून्य करेंगे और यदि 50 पैसे या उससे अधिक है तो उसे पूरे 1 रुपए में बदल देंगे और इस तरह हम डेसिमल की वैल्यू हटा देंगे। राउंड ऑफ करने की 3 प्रोसेस हैं: राउंड ऑफ इन टैक्स लेजर, राउंड ऑफ इन इनवॉइस और राउंड ऑफ इन वाउचर क्लास। हम इस वीडियो में आपको पहली 2 प्रोसेस बता रहे हैं और तीसरी प्रोसेस राउंड ऑफ इन वाउचर क्लास के बारे में आगे की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं राउंड ऑफ इन टैक्स लेजर के बारे में। हम जो भी आइटम्स बेचते हैं, यदि उनका भाव रुपयों में ही होता है, उनके भाव में पैसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे 50 रुपए 25 पैसे या 125 रुपए 75 पैसे की बजाय यदि आइटम का भाव सीधे सीधे 50 रुपए या 125 रुपए हो तो हम अपने टैक्स के लेजर्स पर राउंड ऑफ सेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अभी तक हम हैप्पी ट्रेडर्स में वर्ष 2021-2022 में काम कर रहे थे और अब 2022-2023 में काम करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए ऑल्टर और F2 प्रेस करके करंट पीरियड चेंज करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और टैक्स के लेजर्स पर राउंड ऑफ सेट करना एक उदाहरण से समझ लेते हैं। हम 1 मई 2022 को दीपक ट्रेडर्स को 14,999 रुपए में एक प्रिंटर बेच रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आइटम का भाव रुपयों में है, यानी इसमें पैसे जुड़े हुए नहीं हैं। अब यहां पर देखिए CGST का अमाउंट
1349.91 रुपए और SGST का अमाउंट भी 1349.91 रुपए आ रहा है और बिल का कुल अमाउंट है 17,698.82 रुपए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आइटम के भाव में तो पैसे नहीं थे पर टैक्स में पैसे जुड़कर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम टैक्स लेजर पर राउंड ऑफ सेट कर सकते हैं और पैसों को हटा सकते हैं। उसके लिए हमें GST के सभी लेजर्स को ऑल्टर करना होगा। पहले हम CGST के लेजर को ऑल्टर कर लेते हैं। यहाँ हम एंटरप्रेस करते हुए राउंडिंग मेथड पर आ गए हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ राउंडिंग मेथड्स में वो तीनों नाम आ रहे हैं जिनके बारे में हमने आपको समझाया था, और जैसा कि हमने बताया था प्रायः इसमें से नॉर्मल राउंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो हम उस पर जाकर एंटरप्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही एक नया ऑप्शन राउंडिंग लिमिट आ रहा है। यहाँ पर हमें वो अमाउंट टाइप करना है जिसमें हम पैसों को कम करके या बढ़ा करके रुपयों में राउंड ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ पर हम 1 टाइप कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल की वैल्यू को या तो हम हटा देना चाहते हैं या फिर उसे पूरे 1 रुपए में बदल देना चाहते हैं। हम किसी अन्य डिजिट जैसे 2 या 5 की जगह 1 इसलिए टाइप कर रहे हैं क्योंकि इससे बिल के टोटल अमाउंट पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे सेव कर लेंगे। इसी तरह हम SGST और IGST के लेजर्स भी ऑल्टर कर लेंगे। चलिए अब वापस दीपक ट्रेडर्स का सेल्स वाउचर बना लेते हैं। ये देखिए पहले हमने टैक्स की जो कैलकुलेशन देखी थी उसमें पैसे भी आ रहे थे, जबकि अब यहाँ पर केवल 1,350 रुपए ही आ रहे हैं। आइए अब इसका टैक्स एनालिसिस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी CGST और SGST दोनों 1,349.91 रुपए आ रहे हैं, जबकि वाउचर में दोनों ही 1,350 रुपए है। इसका मतलब है टैली ने सिर्फ इनवॉइस के टैक्स लेजर को राउंड ऑफ किया है। अब जैसे ही हम इस वाउचर को सेव कर रहे हैं हमारे सामने वार्निंग की एक पॉपअप विंडो आ रही है जिसका अर्थ है कि हमने जो टैक्स रेट सेट किया है टैक्स अमाउंट उससे मैच नहीं हो रहा है। हम इस वार्निंग को अनदेखा करके इस वाउचर को एंटरप्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम GSTR 1 पर चलते हैं। पहले पीरियड चेंज कर लेंगे। अब ये देखिए हमने जो एंट्री की थी वो B2B में दिखाई नहीं पड़ रही है, इसके लिए हमें अनसर्टन ट्रांजैक्शन पर जाना होगा। यहां से मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट पर जाएंगे। अब हम इस एंट्री पर जाएंगे। ये देखिए यहाँ क्या मिसमैच है वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि टैली में इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को अनसर्टन ट्रांजैक्शंस में इसलिए रखा जाता है ताकि आप एक बार वेरीफाई कर लें कि कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं हो रही है। हम इस एंट्री को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ऑल्टर और जे प्रेस करना होगा। यहाँ टैली हमसे एक बार और पूछ रहा है कि क्या आप इस वाउचर को जैसा है वैसा ही सेव करना चाहते हैं। हम यस के लिए एंटरप्रेस करेंगे। अब एस्केप की से हम वापस पीछे चलते हैं। ये देखिए अब ये एंट्री B2B में दिखाई पड़ रही है। आइए बात करते हैं राउंड ऑफ की दूसरी प्रोसेस, राउंड ऑफ इन इनवॉइस की। इसको समझने के लिए हम टैक्स के तीनों लेजर्स को फिर से ऑल्टर करके उनमें हमने जो राउंड ऑफ सेट किया था उसे हटा देते हैं। अब राउंड ऑफ इन इनवॉइस को समझने के लिए हम
1 मई को वासु ट्रेडर्स का एक प्रिंटर का बिल 14,999.50 रुपए के भाव से बना लेते हैं। ये हमारे प्रदेश के बाहर के डीलर हैं, इसलिए यहाँ हम IGST लगाएंगे। ये देखिए बिल का जो टोटल अमाउंट है वो 17,699.41 रुपए आ रहा है। इस बिल के अमाउंट को राउंड ऑफ करने के लिए हमें राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करना होगा जो कि बना हुआ नहीं है, तो पहले हम उसे बना लेते हैं। यहाँ नेम में हम राउंड ऑफ टाइप कर रहे हैं, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना होगा। अब यहाँ टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ राउंडिंग लिमिट में 1 ही रहने देंगे। अब इस विंडो को सेव कर लेंगे। ये देखिए पहले बिल 17,699.41 रुपए का था, जो कि अब नॉर्मल राउंडिंग मेथड की वजह से 41 पैसे कम होकर केवल 17,699 रुपए हो गया है। अब हम फिर से वासु ट्रेडर्स का एक प्रिंटर का बिल और बना लेते हैं, बस इसमें भाव 14,999 रुपए लेंगे। ये देखिए अभी बिल अमाउंट 17,698.82 रुपए है। जैसे ही हम राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट करेंगे, ये नॉर्मल राउंडिंग मेथड की वजह से 17,699 रुपए हो जाएगा। ध्यान दें, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग मेथड के नियम के अनुसार पहले बिल में 41 पैसे थे, यानी 50 पैसे से कम थे, इसलिए राउंड ऑफ में 41 पैसे कम हो गए। और इस बिल में 82 पैसे थे, यानी 50 पैसे से ज्यादा थे, इसलिए इसमें 18 पैसे और जुड़ गए। अब हम इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने राउंड ऑफ करने की दो प्रोसेस बताई। इन दोनों प्रोसेस में से पहली प्रोसेस, जो कि टैक्स लेजर में राउंड ऑफ करने की है, वो थोड़ी लंबी और जटिल है, जबकि दूसरी प्रोसेस जो कि इनवॉइस में राउंड ऑफ करने की है वो सरल और छोटी है। तो हमें लगता है कि आपको दूसरी प्रोसेस का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको एडिशनल चार्जेस इन GST इनवॉइस के बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।